मित्रों, आज की इस विशिष्ट प्रेस वार्ता में दिल्ली विधानसभा के हमारे नेता प्रतिपक्ष और सभी सम्मानित विधायकों को आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि विगत दिनों जो कुछ भी क्रियाकलाप दिल्ली में शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा था, दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत के नाम पर जो अवांछित अनावश्यक प्रपंच किया गया, यद्यपि वो विधायकों को बाहर रख के किया गया, उसके बाद भी विश्वास का संकट दिल्ली में उत्तरोत्तर गहराता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये आया कि जब वो एक स्टिंग ऑपरेशन जो आप सभी ने देखा, जो इस प्रकार का था, जिसे एक प्रसिद्ध उक्ति में कहा जाता ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा था। मगर आज यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि जो अपने को यह कहते थे भारत के इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने संवैधानिक पद पर बैठकर औपचारिक रूप से यह कहा था कि यदि आपसे कोई मिलने के लिए आए तो उसका स्टिंग बना लीजिएगा जी और हमें दे दीजिएगा, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। पर आप देखिए कि वक्त का बदलाव और चरित्र का बदलाव किसी भी पार्टी और नेता के चरित्र में कैसा परिवर्तन ले आता है कि आज इतने बड़े प्रत्यक्ष प्रमाण के उपरांत भी वो पूरी निर्लज्जता के साथ उसे स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं बल्कि इधर उधर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, या तो अरविंद केजरीवाल जी इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा 7 वर्ष पूर्व दिए गए अपने बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांग लें कि मैंने जो बोला था कि स्टिंग के बेस पर मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, वो मेरा उसी प्रकार से बचकाना, अपरिपक्व अथवा मन में विद्वेष रखने वाला बयान था, जैसे मैंने अनेक चीजों पे अपना बयान और स्टैंड पलटा है, मैं आज इस पर भी पलट रहा हूं। मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि इतने स्पष्ट प्रमाण के बाद भी कभी वो विश्वास मत के नाम पर बचने का प्रयास करते हैं, कभी बापू की समाधि पर जाकर हास्यास्पद और दुखद ढंग से विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, कभी अपने मधुशाला का घोटाला पाठशाला के पीछे छुपाने का प्रयास करते हैं, मुख्य विषय के ऊपर वह जवाब देने से निरंतर बचते रहते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना है कि जब उस स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट रूप से राशि का उल्लेख है, प्रतिशत का उल्लेख है, और इसके उपरांत भी यदि आम आदमी पार्टी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कट्टर ईमानदार का दागी किरदार अब जनता के सामने साफ हो गया है। पुनः मैं कह रहा हूं, कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वालों का दागी किरदार अब जनता के सामने साफ हो गया है। इसलिए हमारे सभी विधायकों को अब यह आवश्यकता महसूस होती है, और जिस प्रकार का घटनाक्रम दिल्ली सरकार में चल रहा है, कभी मुख्यमंत्री दावा करते हैं मुझे पहले से यह बात पता है, जो लोग यह दावा करते हैं कि उनको सीबीआई के अंदर के सूत्रों से पहली बात पता है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो सत्ता के संस्थान में रहते हुए किस प्रकार की चीजों को छुपाने, ढकने या मैनिपुलेट करने का कार्य इस घोटाले के संदर्भ में कर सकते हैं। इसीलिए आज हमारे दिल्ली विधानसभा के सभी सम्मानित विधायकों ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को एक पत्र लिखने का निर्णय लिया है कि अनेक तथ्य जो पहले ही प्रकाश में आ चुके हैं, उसके उपरांत इस स्टिंग के प्रकाश में आने के बाद भी, कई दिन गुजरने के बाद भी, जिस प्रकार की छलपूर्ण निष्क्रियता दिल्ली सरकार में दिखाई पड़ रही है,
वो बहुत संदेह उत्पन्न करती है कि इस विषय को सही ढंग से कभी जांच वो नहीं होने देंगे। इसलिए सीबीआई को पत्र लिखने का निर्णय लिया है कि सीबीआई इस विषय का शीघ्र संज्ञान ले और इस पर उपयुक्त विधायी यानी वैधानिक और उपयुक्त जांच की कार्रवाई करे, क्योंकि जिस प्रकार के कार्य दिल्ली सरकार कर रही है विषय से भटकाने के लिए, मतलब मैं एक उदाहरण के लिए आपसे कहना चाहूंगा, आप सभी लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप कभी जरा खूब स्टडी करके बताइएगा, जिस पार्टी के पास 90% की मेजोरिटी हो और वो बगैर कहे विश्वास मत की बात करे, इसका अर्थ होता है कि आज विश्वास के ऊपर कोई उनकी विश्वास पे संकट नहीं है, सरकार पे संकट नहीं है, साख पे संकट है। आम आदमी पार्टी की साख पर संकट है, और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, उनकी पार्टी जिस आंदोलन से निकली उस आंदोलन के अधिष्ठाता अन्ना जी ने अपने पत्र में ही यह बात स्पष्ट कर दी है। इसीलिए विवश होकर हमारे विधायकों को यह निर्णय लेना पड़ा कि इतने बड़े प्रमाण पर भी यदि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस विषय के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मैं इस संदर्भ में अनुरोध करूंगा दिल्ली विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी जी से कि वो आपको संबोधित करें। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री आरपी सिंह जी, विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, मोहन सिंह बिस जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, जितेंद्र महाजन जी, अनिल वाजपेयी जी, मीडिया के दिल्ली प्रदेश के प्रमुख हरीश खुराना जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं एक बात आज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई तो विधानसभा में केवल एक बार चर्चा हुई, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। हमारा सवाल था कि दिल्ली में कुल शराब के ठेके हैं 639 और सरकार कह रही थी कि दिल्ली में 849 शराब के ठेके हैं और हम उनकी उतनी ही संख्या रख रहे हैं। 377 सरकारी शराब के ठेके थे और 262 प्राइवेट शराब के ठेकेदारों के पास थे। दूसरी बात, हमने विधानसभा में रिकॉर्डिंग है उसकी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से यह पूछा कि क्या शराब के ठेकेदारों का कमीशन बढ़ा दिया गया है, तो उन्होंने विधानसभा में जवाब नहीं दिया। मेरा स्टार्ट क्वेश्चन था, सप्लीमेंट्री मैंने पूछी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा आप लीडर पोजीशन है, आपको सब मालूम है, पॉलिसी की कॉपी हमको उपलब्ध नहीं कराई गई। और हाउस के अंदर हमने कहा कि शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। तीसरी बात हमने कही कि देखिए आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, आपने शराब सर्व करने का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया है, दिल्ली पुलिस की एनओसी नहीं ली गई है। तीसरी बात हमने कही कि देखिए दिल्ली में 100 ऐसे नगर निगम के वार्ड्स हैं जहां मास्टर प्लान हमको शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस बात को स्वीकार किया कि हां 100 वार्ड्स ऐसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 300 शराब के ठेकेदारों से मोटी रकम लेकर रिहायशी क्षेत्रों में या नॉन कन्फर्मिंग एरिया में या जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें थी उन पर खोल दिए गए। चौथी बात, हमने उनको कहा कि साहब अगर कोई शिकायत करता है कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी जांच सरकार की लैब में होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा कि सरकार की लैब में नहीं होगी,
जो शराब के ठेकेदार हैं उनके लैब में ही टेस्टिंग होगी, तो इस पर भी हमने अपना एतराज दर्ज कराया था। एक कितनी मजेदार बात उन्होंने हाउस के अंदर कही कि हम दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके सिखलाएंगे और उसके लिए 5 शराब के ठेके खोलेंगे। हमने कहा भाई आपने तो दिल्ली में पिछले 7-7.5 सालों में एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला, लेकिन शराब पीने के तरीके आप सिखलाएंगे, उसके लिए 5 स्कूल आप खोलेंगे। तो ये बात भी उन्होंने कही। ये लोग कहते हैं कि 849 शराब के ठेके केवल हमने खोलने की योजना बनाई है, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने 1000 लाइसेंस बैंक्वेट हॉल के मालिकों को, होटल रेस्टोरेंट्स में जो बार्स हैं उनको भी इन्होंने दिए। इन्होंने दिल्ली में यदि नीचे शराब का ठेका है तो फर्स्ट फ्लोर पे डांस बार की भी अनुमति दे दी। और तीसरी एक और मजेदार बात देखिए कि इन्होंने कहा कि जहां शराब का ठेका है वहीं उसके बगल में ही शराब पीने की व्यवस्था की जाएगी, जबकि दिल्ली पुलिस से कोई NOC इस संबंध में इन्होंने नहीं ली। अब इनका यह भी कहना था कि दिल्ली में जो नई शराब नीति है ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, इससे हमारी आय जो है वो 6,500 करोड़ रुपए से बढ़ के 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। लेकिन आज मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि बिक्री डबल हो गई लेकिन आय जो है वो आधी भी नहीं रही। अरविंद केजरीवाल आपको ये तो बताना होगा जिस शराब नीति को आप कहते थे वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है आखिर उसको वापिस क्यों लिया, और जो स्टिंग अभी जो आया है और जो बात हम हाउस के अंदर कहते थे कि कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जिन शराब के ठेकेदारों को उन्होंने शराब के ठेके दिए उन्होंने स्वीकार कर लिया है हाँ कि कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भाजपा के विधायकों को इसकी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं थे। अब शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि हाँ 2% से बढ़ाकर 12% हुआ और उसमें से 6% शराब के ठेकेदारों की जेब में गया और 6% जो है वो सरकार केजरीवाल या सिसोदिया की जेब में गया। यही मैं कहना चाहता था। अरविंद केजरीवाल कभी विधानसभा में चर्चा कराते नहीं है, चर्चा से भाग खड़े होते हैं। कभी चीफ मिनिस्टर भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सवाल हमने विधानसभा के अंदर रखे हैं या विधानसभा के बाहर रखे हैं उन पर कभी आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। मैं आज जरूर चाहूंगा कि वो हमारे सवालों का जवाब अब तो कम से कम देने का कष्ट करें। मैं यही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चिट्ठी हमारे सारे विधायकगण CBI को भेज रहे हैं। मैं चाहूंगा सारे विधायकगण उन्हें चिट्ठी वो जो उनके हाथ में है वो एक बार आपको दिखा देंगे ताकि लोगों को ध्यान में आ जाए। खड़े होकर दिखा देंगे।